मृतक अनुज के पिता हमारे साथ हैं, ये बताइए क्या आरोप है आपका? हमारा कोई आरोप नहीं है, प्रशासन की जो इच्छा थी प्रशासन ने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली, बस हमें कुछ कहना नहीं। इच्छा से तो देश नहीं चलता ना? अरे इच्छा से नहीं देश चलता तो हमारे कहने से सब देश नहीं चलेगा। एक हमारे लड़के के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, जबकि 40 मुकदमे वाले जेल के अंदर है, उनपे उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। कौन 40 वाले बाहर हैं? अरे बिपिन सिंह के ऊपर 36-37 मुकदमे, वो सरेंडर होकर के जेल में है। बाकी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कितने मुकदमे, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। हमारे लड़के के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा था, उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या घर से उठाया था? जी नहीं, पता नहीं कहाँ से उठाया, हमें कोई पता नहीं, कोई सूचना नहीं। अनुज कितने दिन पहले आपके पास से गायब हुए? 22-25 मई को आए थे और 4 जून को हमारे पास से गए थे। और कौन लेके गया? वो टिकट था उनका सूरत में, कोर्ट में तारीख थी 7 तारीख को। जी, तो आपको लगता है कि क्या एसटीएफ और पुलिस वाले उठा के ले गए हैं? जी हाँ, एसटीएफ ही उठा के ले ही जाएगी, और कौन उठा के ले जाएगा। जी, तो सरकार और पुलिस का तो कहना है कि मुठभेड़ हुआ है, उन्होंने गोली मारी। अरे सर मुठभेड़, अब हम क्या कहें, हम तो देख नहीं सकते कि मुठभेड़ हुई कि क्या हुआ। अब जो प्रशासन की इच्छा थी वो पूर्ण कर ली, हम कुछ कहना नहीं। उन्होंने गोली चलाई और मारा, गोली मारा, कमांडो के ऊपर गोली लगी, बुलेट प्रूफ पे गोली लगी। सर हम तो इस चीज़ के विषय में जानकारी नहीं, तो हम क्या कह सकते। एसटीएफ वाले बच गए, बाल बाल बच गए, ये तो प्रशासन यही कहता है हर एक जगह, हमेशा कहता है। हाँ प्रशासन का काम ही यही कहना। तो ये अनुज प्रताप सिंह, पहले तो इस पे इतना था कि मंगेश यादव मारा गया और एक जाति विशेष को टारगेट करके मारा जा रहा है, अब तो अनुज प्रताप, अब तो ठाकुर का इनकाउंटर हो गया, अब तो जात विशेष वाली भी बात पूरी होगी गवर्नमेंट को। अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, अब तो जातिवाद भी खत्म हो गया। मतलब अब तो सरकार को संतुष्टि मिलनी चाहिए कि एक ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। संतुष्टि किस बात? अरे सर जब जातिवाद को लेकर के ताड़ना की जा रही, तो एक यादव का इनकाउंटर हुआ, तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। तो ऐसे ही चलेगा क्या कि एक यादव का एक ठाकुर? सर अब हम क्या बताएं, ये तो प्रशासन जाने, हम तो आम नागरिक हैं, जो प्रशासन करेगा वही हमको भी झेलना। तो क्या मतलब आपका कहना है कि एक ठाकुर का फिर यादव का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? सर अब इसके विषय में तो आप लोग जाने, अब हम क्या बता सकते हैं, सिलसिला ऐसे ही चलेगा कि बंद होगा, हम क्या कह सकते हैं इसके विषय। तो कुल मिला के आपका आरोप क्या है? कुल मिला के आरोप यही है कि प्रशासन को एक बार उसको मौका देना चाहिए था, एक ही मुकदमा था उसके खिलाफ, और एक बार तो उनको मौका देना ही चाहिए था कि हाँ सुधरने का, हो सकता है सुधर ही जाए अगर उसने गलती की थी, लेकिन प्रशासन ने इनकाउंटर कर दिया, इससे ज़्यादा क्या करें। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है सर, अब जो हमारा लड़का हमारे हाथ से निकल गया तो क्या मांग है हमारी, कुछ मांग नहीं है सर। अनुज प्रताप के पिता हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि एक मुकदमा था, मार दिया गया, उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए था। बहुत सारे सवाल इनके हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, उन्नाव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।